हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? होप बहुत ही अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। तो आज हम लेके आए हैं मलाई मसाला की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। कभी कभी कुछ भी सब्जी बनाने का मन नहीं करता, सब्जी खाने का मन नहीं करता, या कोई सब्जी समझ में ना आए, तो बनाइए मलाई मसाला और टेस्टी बहुत होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक फ्राई पैन में मीडियम फ्लेम पे चढ़ा लिया है और इसमें 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाल लिया और तेल गरम हो चुका है। इतने 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज डाल लिए हैं और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे ब्राउन करना है। इसे ब्राउन कर लेंगे और देखिए ब्राउन हो गया है, 5 4 5 मिनट बीत चुके थे। अब हमें अदरक और लहसुन का पेस्ट इसमें डाल लिया है। इसमें 1.5 इंच अदरक है और 8 लहसुन की कलियां हैं, तो इसको भी हम अच्छे से भून लेते हैं, थोड़ा ब्राउन कर लेंगे। और देखिए हो चुका है, हमने 3 4 मिर्चें ली हैं जो बारीक काट ली हैं, इसे भी भून लेना है। अच्छे से चला देते हैं और इसके बाद हमने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर इसमें डालने हैं और बहुत अच्छे से इसको मिक्स करना है और गलने तक इसको भूनना है। बहुत बढ़िया से इसको गला लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा चला देते हैं और फिर इसके अंदर हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, जिससे ये बहुत ही जल्दी अपने आप से ही जल्दी जल्दी से घुल जाएगा। तो चलिए इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। मैं इसमें सेंधा नमक यूज़ कर रही हूँ, आप जो कोई सा भी यूज़ कर जो भी करते हैं डाल लीजिए। वैसे मेरी सजेशन है कि सेंधा नमक डालिए, बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। तो सेंधा नमक मैंने इसमें अब डाल लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और 3 4 मिनट लगेगा ये अच्छे से गल जाएंगे। और देखिए 3 4 मिनट हो चुका है, टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब मसाले डाल लेते हैं। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, थोड़ा सा कम उसमें, और 1 ही छोटी चम्मच हमें धनिया पाउडर और 1 छोटी चम्मच हमें गरम मसाला पाउडर डालना है। ज़्यादा भर भर के नहीं डालना है, थोड़ा क्वांटिटी कम है इसलिए कम ही डालेंगे। और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, बीच कुटी हुई मिर्चें मैंने इसमें डाली हैं, और थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये जले नहीं, और इसे अच्छे से हम पकाएंगे। 4 5 मिनट तक इसको अच्छे से चलाएंगे, अच्छे से पका लेंगे। जो टमाटर है बहुत बढ़िया से और गल जाएगा, मसाले भी हमारे पक जाएंगे। अब इसी मसाले में हमें क्या करना है, और देखिए 1 चम्मच बेसन डालना है और इस बेसन को बहुत अच्छे से हमें मिक्स करना है। इसके अंदर लम्स नहीं आएंगे, जैसे जैसे आप चलाओगे अगर थोड़ा बहुत आ भी जाता है, थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन है तो लम्स नहीं आएंगे। और देखिए कितना बढ़िया से घुल जा रहा है इसमें। अगर थोड़ा बहुत रह भी जाए, आपको लगे कि अभी लम्स हैं, तो वो अपने आप से ही घुल जाएंगे। तो इसे हमें एकदम तेल छोड़ने तक भून लेना है। और देखिए साइडों में भी कितने अच्छे से तेल भून भी रहा है इसका। 2 3 मिनट तक भूनेंगे और ये बहुत बढ़िया से भून जाएगा। और देखिए काफ़ी बढ़िया से भुन गया है, इसमें देखिए थोड़ा बहुत ही पानी रह गया है और ये बहुत जल्दी से भुन जाएगा इसमें। और इसके बाद हमें इसके अंदर हमें मलाई डाल लेनी है, जो मेन है। ये देखिए 2 चम्मच मैंने भर भर के मलाई ली है और इसे भी अच्छे से भून लेना है। इस सब्जी में ज़्यादातर हमें भूनना ही है हर चीज़ को। अब देखिए मैंने जो है मीडियम फ्लेम पे कर दिया है गैस को और इसे अच्छे से हमें भूनना है। और ये देखिए जब तक तेल छोड़ने लगे, मलाई भी अपना जो घी छोड़ देगी, तब तक भूनना है। और देखिए कितना बढ़िया से भून चुका है। इसमें हमें ज़रूरत के अनुसार पानी डाल लेना है, जितनी हमें ग्रेवी चाहिए बस उतना ही डालना है, बहुत पतला नहीं करेंगे और थोड़ा गाढ़ा ही रखना है, क्योंकि हम इसमें कोई सब्जी नहीं डालेंगे, ये मलाई मसाला है। और देखिए अब इसमें इसको हमें अच्छे से पका लेंगे, इसमें 3 4 मिनट इसे पकाएंगे और ये जो सब्जी है बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और देखिए बढ़िया से साथ में चलाते रहना है ताकि ये जले नहीं नीचे से, और बढ़िया से 3 4 मिनट में एकदम तैयार हो जाएगी। और देखिए जो है ग्रेवी जो है अच्छे से पक चुकी है। अब इसमें धनिया ऊपर से डाल देंगे और ये खाने के लिए तैयार है। आप चाहे रोटी से खाइए और चावल से भी बहुत ही टेस्टी लगती है, परांठों से तो इसका जवाब नहीं। आप ज़रूर बनाइए और खाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।